नमस्कार, JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे वर्ग 5 के गणित के पाठ मापन यानी मेजरमेंट, और इसके अंतर्गत लंबाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम लोगों को दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों की लंबाई को मापना होता है, जैसे ये डस्टर या टेबल, बेड, इसकी लंबाई। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी लंबाई हम किससे नापेंगे, कौन सी इकाई से, सेंटीमीटर से या मीटर से? आप देखें, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है और ये लगभग 1 मीटर का ये वाला स्केल है। तो किससे हम मापेंगे, मीटर से या सेंटीमीटर से? निश्चित रूप से ये छोटी चीज है, इसे हम सेंटीमीटर से मापेंगे। वहीं अगर हमें ये टेबल का मेजरमेंट लेना है, इस टेबल का, तो क्या इस सेंटीमीटर से हम माप पाएंगे? नहीं, इसके लिए हमें मीटर से मापना होगा। तो वस्तु की लंबाई के आधार पर हम तय करते हैं कि हम सेंटीमीटर से मापेंगे या मीटर से। ये दोनों ही इकाइयां हैं, छोटी वस्तुओं के लिए सेंटीमीटर और बड़ी वस्तुओं के लिए मीटर। और हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम देखेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अगर हमें 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 5 को गुना करेंगे, 5 गुना 100, है ना, 100 को 5 से गुना करेंगे, तो ये हो गया हमारा 500 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक और हम लेते हैं, 8 मीटर, तो ये 8 से हम गुना करेंगे 100 को, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। अब इसे हम बदलते हैं सेंटीमीटर में, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसे हमें बदलना है सेंटीमीटर में। देखिए कैसे करते हैं, तो 1 मीटर का हो गया हमारा कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जोड़, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 100 और 25 कितना हो गया, 125 सेंटीमीटर। इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 3 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 3 गुना 100 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 मीटर बदल गया सेंटीमीटर में। अब ये इसमें और है 25 सेंटीमीटर, तो ये इसको हम जोड़ देंगे 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 गुना 100 300 जोड़ 25, अर्थात 325 सेंटीमीटर। अब उल्टे से चलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, सेंटीमीटर, इसे हमें मीटर में बदलना है। तो हमने देखा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है होते हैं,
तो 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? इसे हम 200 भाग 100, तो जब 100 से हम 200 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 मीटर। एक और प्रश्न ले रहे हैं, 225 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलना है। तो 225 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 200 जोड़ 25, तो 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए? 2 मीटर, और ये 25 तो रह गया, तो ये 25 सेंटीमीटर। तो 225 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा आया 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, अर्थात 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो अगर हमें 2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो कितने मीटर होंगे? 2 गुना कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर थे? 1000, तो 2 गुना 1000, तो ये हो गया हमारा 2000 मीटर। इसी तरह से अगर 2 किलोमीटर दो सौ पचास मीटर इसे मीटर में बदलना है तो यहां 2 भाग है, ये 2 किलोमीटर है और फिर 250 मीटर है। तो 2 किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे, 2 गुना 1000, और फिर इसमें ये 250 मीटर जोड़ देंगे, तो 2 गुना 1000 हो गए 2000, और ये 250, तो ये हो गए 2250 मीटर। आज जो हमने चर्चा की मापन के बारे में और मापन के अंतर्गत लंबाई के बारे में, तो हमने क्या क्या सीखा? मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, दिए गए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, और किलोमीटर को मीटर में बदलना। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जितने भी प्रश्न आपके पुस्तक के अभ्यास में दिए गए हैं, इन सारे प्रश्नों को आप बनाएं। धन्यवाद।